हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायो टीचर रोशन सर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी बातें डिस्कस किया था। स्पेशली हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले टूल्स देखे थे कि कौन कौन से टूल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कम्प्लीट हो सकता है हमारा। सो उसमें सबसे पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस किए थे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका मेन फंक्शन क्या था ये देखे थे, एंड उसके टाइप्स देखे थे, उसके मैकेनिज्म, उसके एक्शन के बारे में देखा गया था, एंड कौन सी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया था ये देखे गए, ये भी डिस्कस हुआ था, एंड उसकी नेमिंग कैसे होती, सबसे मस्ट ये चीज़ हम लोग देखे थे कि नेमिंग कैसे कैसे होता है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसके नाम का, वो कहाँ से लिया जाएगा, सेकंड कहाँ से लिया जाएगा, एंड फिर जो है लास्ट में जो नंबर होंगे वो कहाँ से लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप, आई होप कि आप लोग लर्न होगा, आपको सीख चुके होंगे आप लोग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 196, ओके, इन दिस सेकेंड वीडियो ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 196 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, यह इसमें हमको पैलिंड्रोम के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? पैलिंड्रोम के बारे में। सो आप लोग इजीली तरीके से बोर्ड के माध्यम से सीख चुके थे कि पैलिंड्रोम, व्हाट इज़ पैलिंड्रोम ना, मैंने आपको इजीली समझाया था, और कल वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी। आज एक बार फिर आपके इस एनसीईआरटी में जो पैलिंड्रोम के बारे में दिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या है पैलिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, क्या आप जानते हो पैलिंड्रोम क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। या ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप है जिसको हम रीड करें फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सेम तरीके से ही रीड हो, है ना। एग्जांपल देखिए, आपका यहाँ पे लिखा भी है मलयालम, अब आप समझ गए होंगे, आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़िए तब भी मलयालम ही पढ़ेंगे, या लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तब भी मलयालम। ओके, सो इस प्रकार का जो भी सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। बट डीएनए के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी देखिए, आप लोग लिखा है एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, टू स्ट्रैंड पाए जाएंगे डीएनए पे, तो यदि आप फर्स्ट स्ट्रैंड जो है उस पर राइट टू लेफ्ट पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप पे स्ट्रैंड पे आपको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए जाना होगा डीएनए में लगे हुए बेस के सीक्वेंस को, तब आपको पैलिंड्रोम मिलेगा। मतलब जो अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो सेकेंड वाली स्ट्रैंड पे जब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तब सेम सीक्वेंस एकदम सेम वही मिलेगा, बट आपका ना जो एंड है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप फर्स्ट स्ट्रैंड पे आप पढ़ रहे हो 5' (end) to 3' (end), तो सेकेंड स्टैंड पे भी आपको 5' (end) to 3' (end) ही पढ़ना होगा, बस डायरेक्शन आपका चेंज होना चाहिए और स्टैंड आपके चेंज होने चाहिए, तो आपको सीक्वेंस इक्वल मिलेगा। जैसे मैंने कल आपको एक सीक्वेंस बताया था GAA TTC, अगर एक ही स्टैंड पे आप इसको पढ़ोगे GAA TTC तो यह नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर इसी का अपोजिट बेस पेयरिंग करके हम सेकेंड स्टैंड पे पढ़ें, अगर फर्स्ट पे हम 5' (end) to 3' (end) पढ़ रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट स्टैंड 5' (end) वाला है, 5' (end) to 3' (end), तो सेकेंड स्टैंड कौन सा होगा, वो होगा 3' (end) to 5' (end). तो हमको पढ़ना किस सीक्वेंस में, अगर जिस सीक्वेंस में पहले पे पढ़े वही सीक्वेंस दूसरे, जैसे अगर आप पहले पढ़ रहे हो 5' (end) to 3' (end), तो यही डायरेक्शन होना चाहिए दूसरे वाले पे, उस पर भी 5' (end) to 3' (end) पढ़ेंगे तो सेम सीक्वेंस बेस का आएगा। इस प्रकार के बेस के सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस, समझ रहे हैं। डायरेक्शन आपका चेंज हो सकता है बट जो प्राइम एंड है वो आपका सेम होना चाहिए। 5' (end) to अगर 5' वाले से स्टार्ट किए तो दूसरे पे भी 5' से ही स्टार्ट करना होगा, लेकिन डायरेक्शन आपका अगर पहला वाला फर्स्ट पे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो दूसरे वाले लेफ्ट टू राइट आना होगा। ये अभी आप अपने पेज पे बना के लगा देख सकते हैं।
तो मैं आपको पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी दो एक आध दो तो बता दे रहा हूँ। जैसे पहला आपका ये है जी ए ए टी टी सी, ठीक है, यह भी क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर दूसरी स्टेंट पे इसको लगाएंगे तो दूसरी स्टेंट पे जब पढ़ेंगे तो यह राइट टू लेफ्ट, अगर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो सेकंड लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो सेम आएगा। दूसरा मैं आपको एक और पैलिंड्रोम सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, ए जी टी सी जी ए सी टी, क्या है, ए जी टी सी जी ए टी सी, एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन एडिनिन साइटोसिन थायमिन, ओके। इसको आप फर्स्ट स्टैंड पे लिखिए, देन इसका बेस पेयरिंग करके सेकंड स्टैंड पे लिखिए और फिर इसको देखिए, अगर फर्स्ट को आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो सेकंड को जब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो सेम सीक्वेंस आएगा। इस प्रकार के सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्लियर हो गया होगा, क्या वही चीज़ लिखा है, द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन टू स्टैंड, समझ रहे हैं, व्हेन ओरिजिनेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, जब आप और रीडिंग का ओरिजिनेशन सेम रखेंगे तो वो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड पे क्या होगा, सेम आएगा, ओके। तो इसी सीक्वेंस को बोला जा रहा है पैलिंड्रोम। कह रहा फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड इन 5' इन टू 3' डायरेक्शन, ओके। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन 3' टू 5' डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको पता है, एनसीईआरटी एक ही लाइन में कई चीज़ों को समाहित कर देता है, तो यहाँ पे जो लिखा है लास्ट वाली लाइन, दिस इज ऑल्सो ट्रू रीड इन 3' टू 5' डायरेक्शन, ये 5' वाली पहले वाली के लिए नहीं लिखा, ये दूसरा एग्जाम्पल है ना। तो आप पहले वाले स्टैंड पे आप यही लिखिए, देखिए वहाँ पे आपके बुक में भी दिया है 5' इन टू 3' इंड पे लिखा है जी ए ए टी टी सी, इसका अपोजिट आप यही बनाओगे जो नीचे लिखा है 3'2। तो अगर आप फर्स्ट वाले में पढ़ रहे हो 5' टू 3', तो सेकंड वाले में भी 5' टू 3' पढ़ना होगा, देन आपका इक्वल आएगा, ओके। और अगर सेकंड वाले में 3', अगर आप पहले वाले स्टैंड को 3' मान लिए तो दूसरे वाले, तो आपको इसी तरह पढ़ना होगा ना, 3 टू 5, तो दूसरे वाले में भी 3 टू 5, अगर 5 टू 3 पढ़ रहे हैं तो सेकंड वाले में भी 5 टू 3 ही पढ़ना होगा, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट, ओके। कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए की स्ट्रैंड को कट लगाता है एक छोटे तरीके से फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, जो पैलिंड्रोम होता है वहाँ से कुछ दूर पे ही सेंटर से ही कट लगाएगा, कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी यही जो बताया ग्वानिन एडिनिन थायमिन साइटोसिन, तो यहाँ पे क्या करेगा कि अभी देखिए जब इसको स्टिकी इंड बनाना होगा तो क्या करेगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। स्टिकी इंड बनाना होता है तो एक सिंगल स्टैंड पे एक बेस पेयरिंग को छोड़ के साइड से ही एक स्टैंड के सारे बेसिस को कट लगा देता, काट के हटा देता है। आप वो पिछले वाले पेज पे देखेंगे मैकेनिज्म आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या एक्शन आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस वाले पे देखेंगे तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही, सॉरी, स्टिकी इंड पे ही काटा। स्टिकी इंड के बारे में भी मैं बोर्ड पे आपको समझाया था, आगे फिर मिलेगा, वही चीज़ कह रहा बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट साइड, लेकिन दोनों बेस क्या होते हैं, वो कट लगा देता है, लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट, अगर सेम बेस है तो अपोजिट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर पहले वाली स्ट्रैंड पे एडिनिन है तो सेकंड वाले पे थायमिन होगा, क्योंकि एडिनिन जुड़ता है थायमिन से, है ना। फर्स्ट वाले पे अगर ग्वानिन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, क्योंकि ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से बाय द ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, और एडिनिन थायमिन से जुड़ेगा बाय द डबल हाइड्रोजन बांड। ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। कह रहा है दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंड, वही चीज़ जो मैं अभी समझा रहा था, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड, आपके एंड पे जब ये कट लगा देगा तो एंड पे एक बेस पेयर क्या करेगा, छोड़ेगा सिंगल स्ट्रैंड के पे, अगर जिस सिंगल स्ट्रैंड पे वो कट लगा रहा है उस पे सबको कट लगाएगा, लेकिन लास्ट में एक बेस पेयर को छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टिकी एंड उसको बनाना है, कौन काट रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। वही चीज़ कर रहा है, देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड स्टिकी इंड,
मतलब कि आपको अब यहाँ पे एक थोड़ा सा फैला प्रसारित रूप दिखेगा, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, स्टिकी एंड, चिपचिपा छोर, है ना, ऑन ईच स्टैंड, दोनों स्टैंड पे जब वो इस प्रकार से कट लगाएगा तो आपको क्या दिखेगा, चिपचिपा छोर दिखेगा। और स्टिकी एंड का मतलब मैं आपको समझाया था कि एकदम ऐसे सांची नुमा कट लगता है जो क्या हो कि जब उसको हम बाइंड करें तो राइट टू राइट बेस पेयरिंग जाके मैच कर जाए और एक सांची नुमा जाके फिट हो जाए, राइट टू राइट फिट हो जाए, है ना। तो इसी प्रकार के जो का जो छोर होता है, जो इंड होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टिकी इंड, है ना, चिपचिपा छोर। तो जाके एकदम सांचे पे जाके क्या हो जाएगा, राइट टू राइट फिट हो जाएगा, बेस पेयरिंग उसकी मिल जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाएगा और इसको जोड़ने के लिए आपको लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो कह रहा देयर इज, ये चीज़ हो गया है, कह रहा दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए वही चीज कह रहा, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ देयर कंप्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा फिर क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा और उसको जुड़ने का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो यह जो स्टिकी इंड हम लगाते हैं क्या करने के लिए, थोड़ा सा हेल्प करेगा, स्टिकी इंड के अगर हम कट लगाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाके राइट टू राइट फिट हो जाएगी और डीएनए लाइगेज के एक्शन में हेल्प होगा, इसलिए यानी लाइगेज जो है ना जोड़ने में सहायता करेगी, तो सहायता करेगी। तो अगर पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कट लगा है तो वो आसानी से जाके जुड़ जाएगा। दिस स्टिकनेस ऑफ इंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑफ डीएनए लाइगेज। यही मैंने बताया अभी आपको कि क्या करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन में हेल्प करेगा, क्या, जो स्टिकनेस है ना, कौन स्टिकनेस, जो अभी हम लोग स्टिकी इंड जो बनाए हैं वो क्या करेगा कि डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन में हेल्प करेगा, ताकि डीएनए लाइगेज एंजाइम राइट टू राइट बेस को क्या करे, बाइंड कर सके, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो जाके वो वहाँ पे डीएनए जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक डीएनए दूसरे डीएनए से जाके क्या होगा, जुड़ेगा। तो वहाँ पे अगर स्टिकी इंड में कट लगा रहेगा तो आसानी रहेगी इसको जुड़ने में। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए फिर आ गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के बारे में, अभी जो हमने कल ही पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ये जो क्या कर रही थी, एक स्टिकी इंड से कट लगा रही थी, पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ढूंढ रही थी, ग्वानिन पोजीशन से कट लगा रही थी ताकि क्या हो जाए, स्टिकी इंड इसलिए कट लगा रही थी कि राइट टू राइट क्या हो जाए, बेस पेयरिंग की मैचिंग हो जाए, ठीक है। तो उसी तरह रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब जो नई डीएनए बनेगा उसी को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कर विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फॉर्म डिफरेंट सोर्सेज या डिफरेंट जीनोम, जो कहाँ से बना है, डिफरेंट प्रकार, भिन्न प्रकार के जीनोम से लिया गया है या भिन्न प्रकार के डीएनए से मिला के एक क्या कर दिया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। ओके, कह रहा व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी इंड। अगर सेम प्रकार के हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं तो सेम प्रकार के स्टिकी इंड को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। दीज कैन बी ज्वाइंट टूगेदर इंड टू इंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। यह क्या हो सकता है, एक दूसरे एक इंड दूसरे इंड से जाके क्या होगा, राइट टू राइट जुड़ जाएगा बाय यूजिंग ऑफ डीएनए लाइगेज। ओके, सो नीचे देखिए मैं आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसके मैकेनिज्म, दोनों के मैकेनिज्म को पूरा ग्राफ के माध्यम से बोर्ड पे समझाया था, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया है, जो मैं आपको एकदम बेस भी बना बना के अंदर दिखाया था कि यह बेस इससे जाके जुड़ेगा, कुछ इस तरह का कट लगाएगा तो स्टिकी इंड बनेगा, वो चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। यहाँ पे आपके ग्राफ में बस ऐसे सिंपली डीएनए बना दिया है, बेस पेयरिंग नहीं दिखाया है, लेकिन वो चीज़ें आप समझ सकते हो, वो चीज़ें अगर आपको लर्न होगा तो। तो देखिए इसमें एक फर्स्ट लिया है फॉरेन डीएनए, दूसरा वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या होता है, वेक्टर डीएनए कब बनेगा, पहले इसको हम प्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं जब इसको बैक्टीरिया या फंगल सेल से आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेशन एंजाइम स्पेशली
जो काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे फंगल सेल से आइसोलेट करने के लिए, लेकिन लाइसोजाइम यहाँ पे यूज किया जाएगा क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल से स्क्रेसिया कोलाई से आइसोलेट करना है। तो लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से इसको हम आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद जब इसको हम एक वेक्टर के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक नए डीएनए को ऐड करके क्या करना है, इस उस नए वाले डीएनए के लिए यहाँ वेक्टर का काम करेगा ना, तो इसलिए इसको जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यह यूज किया जाने लगता है तब इसको हम वेक्टर डीएनए नाम दे देते हैं। तो इसको वेक्टर या प्लाज्मिक डीएनए भी बोल सकते हैं। और पहला आपका क्या है, फॉरेन डीएनए, इसको डिजायर डीएनए भी बोला जाएगा क्योंकि इसी का कैरेक्टर हमको क्या करवाना होता है, ग्रो करवाना होता है। तो एक डिजायर डीएनए एक वेक्टर डीएनए दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में हमको जोड़ना है। तो फर्स्टली क्या किया जाएगा, फॉरेन डीएनए को लिया जाएगा, देन प्लाज्मिक डीएनए को लिया जाएगा, दोनों को सेम प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे। जब सेम प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगी तो आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर टेंडेंसी है पैलिंड्रोम सीक्वेंस पहचानने का और स्टिकी एंड बनाने का। तो वो क्या करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को क्या करेगी, मार्क करके वहाँ से एक स्टिकी एंड। अब स्टिकी एंड कैसे बनाएगी, देखिए लास्ट में एक स्ट्रैंड पे जहाँ से जिस स्टैंड पे वो कट लगा रहे हैं वहाँ पे एक बेस को छोड़ देगी, बेस पेयरिंग बनाने के लिए एक बेस को छोड़ेगी ताकि एक सांचे नुमा संरचना बन जाए। पिछले वाले पेज पे आप देखेंगे तो जो वेक्टर डीएनए इसमें देखिए ग्वानिन को छोड़ के एडिनिन एडिनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन काट दिया, और दूसरे वाले में जो फॉरेन डीएनए इसमें इसमें भी क्या कर दिया, ग्वानिन को छोड़ के ठीक वही चीज़ें काट कर दिया है। तो यहाँ से एक दूसरे से जाके देखिए राइट टू राइट फिट हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार के कट यहाँ भी लगाया गया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कट लगाने के बाद डीएनए के स्ट्रैंड जो है कई भाग में टूट गए। अब यहाँ पे उसी ठीक उसी सांचे पे प्लाज्मिक डीएनए पे भी कट लगा दिया है। दोनों पे कट लगाने के बाद फिर बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज लिखा है, लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिक। डीएनए लाइगेज किसको जोड़ रहा है, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ रहा है। अब इसी फॉरेन डीएनए को ले जाके प्लाज्मिड डीएनए से हम लोग ऐड कर देंगे, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो नया डीएनए बन के तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, और इसी टेक्निक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है। फिर अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया, अब इसको क्या किया जाएगा, फिर उस होस्ट सेल को ढूंढा जाएगा जिससे किसको आइसोलेट किया गया है, फॉरेन डीएनए को, सॉरी प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए को जिससे आइसोलेट किया गया है। वह बैक्टीरियल सेल अब तो खाली होगी ना, तो फिर उसी खाली वाली बैक्टीरिया को ढूंढा जाएगा और उसी में फिर क्या कर दिया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे उसके अंदर डालने के बाद अब सेल डिवीज़न होगा, क्या होगा सेल डिवीज़न। तो देखिए आपको बताया सेल स्क्रेसिया कोलाई में जब सेल डिवीज़न हो रहा है तो एक सेल टू सेल में जाके डिवाइड हो जा रही है, या इसके अलावा मैं आपको एक बताया था रेप्लिकेशन करवाया जाता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस से ज़्यादा डीएनए फॉर्म हमको रूप डीएनए के ज़्यादा रूप मिलते हैं। और सेल डिवीज़न में सिर्फ एक से दो डीएनए बनेगा, यही होगा, जितनी बार सेल डिवीज़न होगा उतनी बार जो है डीएनए के अब वो कौन सा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नए नए रूप हमको क्या होंगे मिलेंगे। बट अगर आप रेप्लिकेशन करवाते हो तो उसी डीएनए का ढेर सारा रूप हमको क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो दोनों मेथड आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के बाद या तो रेप्लिकेशन करवाया जाएगा या फिर सेल डिवीज़न करवाया जाएगा ताकि डीएनए ज़्यादा मात्रा में हमको मिल सके। फिर उस डीएनए को क्या किया जाएगा, किसी जो है कि जीन गन या कोई भी एक ऐसा सिस्टम होगा जिस अभी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके माध्यम से डिजायर सेल में उसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा जिससे उसका कैरेक्टर ग्रो हो सके। ओके सो बाकी चीज़ें हम लोग कल चर्चा करेंगे। सो ओके थैंक्स।